तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया और चाइना और नेपाल की लड़ाई हो रही है बॉर्डर पे, और नेपाल और चाइना की आर्मी जो है वो इंडिया में घुस रही है। पाकिस्तानी मीडिया जो रिपोर्ट दे रहा है वो कह रहा है कि भाई चाइना की आर्मी इस टाइम पे इंडिया के अंदर 20 किलोमीटर अंदर तक आ चुकी है, यानी 20 किलोमीटर का इलाका नेपाल और चाइना की आर्मी ने कब्जा कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से चाइना और नेपाली आर्मी ने ये 20 किलोमीटर के एरिया के ऊपर कब्जा किया है, और इंडियन आर्मी जो इस टाइम पे चाइना से मिन्नत कर रही है कि आप अपने इलाके में वापसी चले जाओ। पहले ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं। चीनी फौज फिर से भारत के अंदर घुस गई है। भारतीय ये वीडियो देखकर शर्मिंदा हो चुके हैं अपनी ही हकूमत से कि मोदी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इन छोटे छोटे मुल्कों को आंखें दिखाता है, लेकिन जब बात चीन की आती है तो मोदी सरकार भीगी बिल्ली बन जाती है और इस बात को मानने से ही इनकार कर देती है कि चीन हमारी सरहद पार आया भी है या नहीं। अब चीनी फौज भारत के 20 किलोमीटर अंदर आ गई और भारतीय फौजी के फिर पूछने पर कहने लगे कि हाँ हम आ गए हैं 20 किलोमीटर अंदर। ये वीडियो देखें आप, इसके बाद भारत ने क्या किया है वो भी आपके सामने रखेंगे। And then is China. No. This is China. No. Anyways, what I'm saying. We don't talk this question. Yes, we don't talk this question. We go back. What I'm saying is that you are 20 kilometers inside. If it is the border, a little bit is understanding. You are 20 kilometers. Maybe there may be a mistake in the navigation or something because of this again. अब इस पर दोस्तों भारतीय प्रोफेसर हैं अशोक सवाइन, उन्होंने ये वीडियो शेयर की और कहा कि चीनी फौज 20 किलोमीटर अंदर तक आ गई है और मोदी खौफ में है कि इसको एडमिट करें या ना करें। यानी कि मोदी सरकार ने हमेशा इस चीज को मानने से ही इनकार किया है कि चीनी फौज भारत में दाखिल हुई है या नहीं हुई, बल्कि वो इसको हमेशा डिसोन करते रहे हैं। जबकि सिख भी जो है वो भी इस पर मोदी सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी कहां पर छुपकर बैठ गया है। अब इस सब मामले के बाद मोदी सरकार सरहदों को लेकर चीन से मीटिंग्स करना शुरू हो गई हैं। जाहिर है ये वीडियो अब सामने आई है, लेकिन ये वीडियो असल में 5-6 दिन पहले की होगी। तो इससे पहले ही मोदी सरकार को इसकी खबर मिली, वो चीन से रابطे करने लग पड़े और मामले को अवाम के सामने आने से पहले ही तय करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही वीडियो लीक हो गई। और ऐसा लगता है कि भारतीय फौज ने ही ये वीडियो लीक की है, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं कि चीनी फौजी भी कैमरे की मदद से वीडियो कैप्चर कर रहा है, और इसी तरह भारतीय फौजी ने भी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो उसने बनाई होगी, जो कि बाद में वायरल हो चुकी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मोदी सरकार के छुपाने पर भारतीय फौज ने खुद ही वीडियो जो है वो लीक कर दी, ताकि अवाम देख सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। और चीनी जो है वो रोज बार रोज मुदाखलत करते हैं भारतीय सरहदों पर आकर, लेकिन मोदी सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पा रही। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंडिया पहले नेपाल के बॉर्डर पे हमला करता था, लेकिन इस दफा नेपाल आर्मी ने कुछ बोला नहीं। और आप सबको पता है कि नेपाल जो है वो बैक पे रहता है, अपना सेफ साइड खेलता हुआ है, चाइना को आगे करता है। और काला पानी पे भी जब नेपाल आर्मी कब्जा कर रही थी तो नेपाल आर्मी ने थोड़ा सा अपना नाम छुपाया, उन्होंने चाइना की आर्मी का नाम दिया, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना की आर्मी जो है वो हर कुछ चीज कर लेती है। इंडिया या इंडियन आर्मी जो है वो चाइना की आर्मी से डरती है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि अभी चाइना की आर्मी ने क्या किया कि 20 किलोमीटर के एरिया के ऊपर कब्जा किया इंडिया के, और वो 20 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। जब वो उसको इंडियन आर्मी वाले बता रहे कि भाई आप 20 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हो इंडिया में, आपको वापसी बैक जाना चाहिए, वो बोल रहे हैं हम क्यों जाएं भाई, हमारी जगह हम आप जो करें। तो यहाँ पे जो है वो आप समझ सकते हैं कि भाई चाइना से कितना डरते हैं इंडिया, पाकिस्तान से भी थोड़ा बहुत डरता है इंडिया, ये नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनसे नहीं डरता, क्योंकि ये छोटे मुल्क है तो इनसे इनकी पड्डे चलते रहते हैं। अब नेपाल अपना सेफ साइड खेलते हुए नेपाल ने अपने आपको साइड पे रखा और चाइना की आर्मी को आगे कर दिया। चाइना की आर्मी 20 किलोमीटर तक जो है वो आगे जाके चली गई है, और यहीं पे जो चाइना की आर्मी का नाम जो है वो रोशन हो रहा है कि भाई चाइना ने एक दफा फिर से कब्जा कर लिया है इंडिया के इलाके के ऊपर, वो भी 20 किलोमीटर का एक बड़ा एरिया है।